हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक और शानदार वीडियो लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए, जो कि आज किसी मीवी डुओपोड्स M20 के बारे में है। अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले ही मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था, और देखते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक पर ये वीडियो है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो एक दो दिन पहले मैंने इस मीवी डुओपोड्स M20 का अनबॉक्सिंग करके आपको बताया था, इसका डिटेल बताया था किस तरीके का है यह फोन, और मैंने आपको बताया था कि इसका रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा हफ्ता दो हफ्ता या फिर एक महीना यूज़ करने के बाद। पर्सनली यूज़ मैं कर लूँगा किस तरीके का है, उसके बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। तो मुझे बहुत जल्द बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो मीवी का जो ईयरबड्स है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या हो रहा है कि वन साइडेड हो जा रहा है। मैं अचानक जिस दिन परचेस किया था उस दिन के बाद दूसरे दिन मैंने इसका यूज़ कर रहा था इसको, तो अचानक एक ईयर का जो बड्स होता है वो काम करना बंद कर दिया। मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत सारा ट्राई कर लिया, बहुत सारा डिवाइस से कनेक्ट करके देख लिया, तो वो ओपन नहीं हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। और इसमें जो लाइट होता है फ्रेंड्स, देखिए अभी जो फिलहाल जल रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है कि ये ईयरबड्स काम करने लग रहा है और कभी कभी नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में समझ जाइए, तब जाके आप लोग भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मीवी का जो दोनों ईयरबड्स में लाइट आ रहा है, चार्ज हो रहा है दोनों बड्स। कल क्या हो रहा था कि एक जो लेफ्ट वाला बड्स था उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं आ रहा था, एक ही में कनेक्ट हो रहा था, पेयर भी हो रहा था, एक ही हो रहा था, दोनों नहीं हो रहा था। तो अचानक मैं छोड़ दिया कि मैं इसे वारंटी वगैरह के मैं इसे डालूंगा, तो मैं काफ़ी सर्वे करने के बाद देखा कि मीवी का सर्विस भी ठीक नहीं है। कम से कम इसे रिप्लेस करने में मीवी वाले 1 महीना से 2 महीना का टाइम लगा देते हैं फ्रेंड्स। मुझे हमें ही ईमेल करना पड़ता है उन्हें, उनका रिप्लाई का वेट करना पड़ता है, 2-3 दिन में एक ईमेल का रिप्लाई करेंगे वो लोग। फिर उसके बाद वो लोग कहेंगे कि आपके यहाँ अगर सर्विस है हमारा तो आपके यहाँ जाएगा डिलीवरी बॉय, आपके यहाँ पिक कर लेगा। अगर नहीं है आपके शहर में, आपका अगर छोटा शहर है तो वहाँ से आपको खुद से ही आप इंडियन पोस्ट से करें या फिर प्राइवेट आप किसी भी कंपनी से करें कुरियर, तो आपको ही करना पड़ेगा, तो उसका पैसा जो लगता है वो अलग। तो इसी के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इनका सर्विस बिल्कुल फालतू है फ्रेंड्स। और ये ईयरबड्स मैंने 899 में परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, और एक दिन के बाद ही वन साइडेड हो गया था। अभी फिलहाल दोनों ईयरबड्स काम कर रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता, मैं वारंटी में भी नहीं फंसना चाहता। 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है फ्लिपकार्ट, मैं इसे रिप्लेस कर रिफंड कर रहा हूँ, मैं इसका वापस पैसा लेके और इसे वापस कर दूंगा उन्हें। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया फ्रेंड्स, और आप भी अपना ओपिनियन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ फ्रेंड्स, इसका साउंड क्वालिटी तो ठीक था, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था, थोड़ा सा ट्रैवल में इसका प्रॉब्लम था, बट साउंड क्वालिटी ओवरऑल ठीक था। और जो मैंने 1 टैब में बताया था कॉल रिसीव पॉज प्ले वाला जो सिस्टम था, 50% अप्लीकेबल है, कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता है, ऐसा गारंटेड नहीं है कि आपका हमेशा काम करेगा। इसलिए इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा 50-50 है। मैं तो सोचा था कि इतना चीपेस्ट में मुझे मिल गया ये मीवी का ईयरबड्स तो अच्छा होगा, बट मैंने इसे यूज़ करके एक दिन में ही ख़राब हो गया। मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू देखा हूँ, बहुत सारे लोगों का सेम प्रॉब्लम, वन साइडेड हो जाता है, तो एक दिन में ही ख़राब हो गया। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ख़राब रहा, तो मैं इसे रिफंड करके अपग्रेड करना चाहता हूँ। कोई और ईयरबड्स मैं देख रहा हूँ, परचेज करूँगा, उसका भी रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा। अभी देख सकते हैं इसमें पूरा लाइट आ रहा है, पूरा इसमें पावर आ रहा है फ्रेंड्स। कल एक में बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, मैं पूरा परेशान हो गया था, कस्टमर केयर से लेके सबसे बात कर लिया था, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आखिरी में या तो आप वारंटी के लिए अप्लाई कीजिए, उसमें 1 से 2 महीना कम से कम आपका जाएगा टाइम, नहीं तो फिर आपके पास रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, तो 1 हफ्ते के अंदर जो फ्लिपकार्ट पे रहता है उस पर मैं रिफंड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज शाम तक या फिर कल तक ये ईयरफोन ले जाएगा। पता नहीं मैं ये वीडियो कब चैनल पे पोस्ट करूँगा, बट ये आज का जो डेट है फ्रेंड्स, 19 मई 2020 को ये ईयरबड्स मेरा रिफंड होने जा रहा है, वापस कुरियर वाला आएगा ले जाएगा यहाँ से। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे नीचे
कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर दिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे से रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।